मैं हूँ प्रीति सिंह और आज बना रही हूँ सूखी मछली। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो ये लोटे मच्छी का सूखा मच्छी है, पता नहीं कितने लोग आप लोग खाते हो नहीं खाते हो। और इसका जो ये मैंने मुंडी है काट दिया है, और इस टाइप का जैसे पंख वगैरह वो काटा होता है ना उसका, वो सब काट देंगे। साथ में इसके जो पीछे पूंछ होते हैं वो भी काट देंगे। और अभी इस स्टेज में इसको छोटे छोटे से पीसेस करेंगे। तो चलिए पहले पीसेस कर लेते हैं। इसको पीसेस में काट लिया है मैंने, और काटने के बाद इसको थोड़ा गर्म पानी में भिंगा दूंगी। तो भिंगाने के लिए इसे कम से कम 2-3 घंटा मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी पानी में, उसके बाद देखते हैं। 2-3 घंटा मेरा कंप्लीट हो गया है, तो अभी इसको वॉश करूँगी अच्छे से। तो चलिए इसको वॉश करते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से ना हाथ से ऐसे अच्छे से मस लेंगे और वॉश करेंगे। तो पहले इसको अच्छे से ऐसे मसल मसल कर वॉश करेंगे, और इसको करीब 4 से 5 बार वॉश करेंगे। हो सके तो थोड़ा गुनगुना पानी से भी वॉश कर लीजिए, जिससे ये अच्छे से वॉश हो जाए। तो यहाँ इस प्रोसेस से पूरा वॉश करेंगे, और साथ में इसी के साथ यहाँ पे रखते जा रहे हैं इसको। चलिए तो जो भी स्टील मैंने नहीं निकाला था वो खुद निकल जा रहा है। यहाँ तेल हो रहा है गरम, तो यहाँ पे जैसे नॉर्मल फीस पहले फ्राई करते हैं सेम एज उसी तरह से करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक मिला लेंगे। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे हल्दी पाउडर और नमक मिला रही हूँ। थोड़ा सा नमक कम ही मिलाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें पहले से होता है, तो यहाँ थोड़ा नमक दे रहे हैं। साथ में देंगे थोड़ा हल्दी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा हल्दी मिक्स कर रही हूँ, जैसे हम लोग हर फीस को फ्राई करने के लिए करते हैं सेम है। अच्छा, अगर आपको इंस्टेंट बनाना हो ना तो इसको गर्म पानी में बॉईल कर लेना, उसके बाद अच्छे से धो लेना। मुझे इतनी जल्दी नहीं थी इसलिए मैंने 3 घंटा भिंगा दिया था गर्म पानी में। तो आप वैसे भी बना सकते हैं कि इसे आप गर्म पानी में भिंगा लें और बनाएं, और या फिर आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। तो चलिए अभी इसको फ्राई करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पे तेल गर्म हो गया है तो उसमें डालेंगे और फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ, थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ। फ्लेम मीडियम है, मीडियम फ्लेम पे ही इसको बनाएंगे, अभी फ्राई करेंगे। तो इसको अच्छे से पहले फ्राई करते हैं। तो गाइस पीस यहाँ पे फ्राई हो गई है, ये देखिए पीस अच्छे से फ्राई हो गई है। तो इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करते, बस थोड़ा सा फ्राई किया।
अभी यहाँ पे मैं दे रही हूँ काली जीरा, प्याज थोड़ा ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पे मेरा 3 प्याज है मीडियम साइज के, और साथ में ग्रीन चिली भी डाल दिया। इसी के साथ प्याज के साथ ही मैं, प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गया है तो यहाँ पे प्याज तड़का दे रही हूँ। यहाँ डाल दिया प्याज तड़का, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा क्योंकि ये सूखी मछली है तो इसके साथ में ऑयल टन लेता है वो फ्राई करने में। यहाँ मसाले में भी थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा, ये मैं क्लोज से दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ प्याज और प्याज तड़का, ये प्याज कड़ी भी आप डाल सकते हो। प्याज तड़का और प्याज कली में एक चीज़ बता रही हूँ, कली वो होते हैं छोटे छोटे से ऊपर में लगे होते हैं, डेट इज़ अ कली, और जिसपे जिसपे सेम ग्रीन होते हैं, और प्याज छोटे छोटे से प्याज लगे होते हैं जैसे प्याज तड़का। तो मैं प्याज की यूज़ की है, इसको अच्छे से फ्राई होने देते हैं 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। प्याज प्याज की हो गई है, साथ में डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, तो ये बड़े चम्मच से 1 चम्मच गया और ये 1/2 चम्मच 1.5 चम्मच डाला मैंने इसमें। अदरक लहसुन हो गया है, साथ में डाल रही हूँ टमाटर, तो टमाटर 1 लिया है बारीक काट लिया है लंबा सा। जब टमाटर डाली हो तो साथ में डालूंगी नमक, नमक फ्राई में भी दिया था तो उस हिसाब से थोड़ा कम ही नमक देंगे यहाँ पे। बाकी चीज़ को थोड़ा टमाटर को गलने देते हैं, उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे, मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको अच्छे से गलने देते हैं। फ्लेम मीडियम है, डाल रही हूँ जीरा पाउडर, तो 1 चम्मच छोटी चम्मच से 1 चम्मच जीरा पाउडर है। यहाँ डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, तो छोटी चम्मच से दिया है 1 चम्मच या फिर 1/2 चम्मच। यहाँ दे रही हूँ मिर्च पाउडर 1 चम्मच, तीखा अपने हिसाब से रखिएगा। ये मसालों के साथ ही मैं फ्राई किया हुआ सूखा पीस जो था वो डाल दूंगी। ताकि मसालों के साथ ये भी अच्छे से फ्राई हो। खैर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग में से कितने लोग ये सूखी मच्छी खाते हैं।
यहाँ एक चीज़ बता रही हूँ, जैसे कि आप लोगों सबको पता है कि सूखी मछली बनाने के टाइम पे बहुत स्मेल करता है, तो यहाँ पे वो स्मेल नहीं करेगा जब आप उसे 2-3 घंटे पानी में भिंगा कर रख देंगे। एटलीस्ट 2 घंटे तो नहीं, आप 3 से 4 घंटा भिंगा के रख लीजिए और उसके बाद उसको अच्छे से वॉश कीजिए। कम से कम 5 बार 6 बार उसको पानी से वॉश कीजिए अच्छे से। बॉईल करेंगे डायरेक्ट तो थोड़ा महकता है, थोड़ा क्या, वो बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ महकता है। और अगर आप इस तरह से उसको भिंगा कर बनाएंगे तो वो महकेगा नहीं। मैं यहाँ पानी ऐड नहीं किए हूँ तो थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इसी के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर सब्जी हो गए हैं तो थोड़ा सा धनिया पत्ता दे रही हूँ, आपकी चॉइस है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी। यहाँ बनकर रेडी है सूखी मछली, जो कि धूप में सुखाया हुआ रहता है, ड्राई फिश टाइप्स। तो ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए गाइस, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।